संडे को कुछ लोगों के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, जैसे तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ किसमें? अब देख लो यार, तुम्हारे ये जो चल रहे हैं यही बचे हुए, और तो क्या उसके भाई, अपन ने बिल्कुल क्या करा? इंटीग्रेशन, टेंजेंट नॉर्मल चल रहा था, वो इंक्रीजिंग डिग्री, वो बचा हुआ है बस। तो संडे को लगा देंगे ना जेई मेंस की, क्या दिक्कत है? हैं, तो इसको लगाएंगे, इस पे लगाएंगे कल के लिए। बाकी क्या मिले नहीं, काम का पूरा आता है, इनका शेड्यूल क्या करें? नहीं ना मैडम फ्री हो तो सुबह बुला लो, 12 से 1 अपना उस पे सुबह से। फ्री है ना कल कल की बात है। हाँ कल दिन, कल आना चाहो तो आप 12 से 1 आ जाओ। और दूसरा फैसिलिटी चले परेश सर, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर जगह मतलब किस पे कंटिन्यूस नहीं होता है, इंटीजर पॉइंट। अब हमें बाकी पॉइंट पे चेक करना है, तो लिखो आगे, लेट ए इज एनी रियल वैल्यू, लिख लिया ना यहाँ तक? लेट ए इज एनी रियल वैल्यू, एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, अदर देन इंटीजर्स, सच दैट ए इज ग्रेटर देन के माइनस वन लेस देन के, ए इज ग्रेटर देन के माइनस वन के, मतलब दो इंटीजर के बीच में कोई भी एक रियल वैल्यू ले ली, आर्बिट्रेरी वैल्यू। समझ में आ गया? अब इसकी लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, पुट एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, देन एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच। कौन मुझे बताएगा कि ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? के माइनस वन क्यों होगा? देखो देखो, ये के माइनस वन, ये के, और बीच में हमने कोई सी वैल्यू ए ले ली, इसका लेफ्ट लिमिट ये वाला होगा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? के माइनस आर एच है। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, देन एच टेंस टू जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस एच। बेटा ए प्लस एच मतलब ये वाला वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के माइनस वन, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? के माइनस, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। एफ ए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए?
ए माइनस वन। नाउ बिकॉज लेफ्ट लिमिट या लिमिट एक्सटेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ, सो देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट द इंटीजर पॉइंट्स। अब ये प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है एक्सेप्ट द इंटीग्रल पॉइंट्स, 3 मार्क, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 3 मार्क का आएगा प्रूव करने, इससे ज्यादा नहीं है। क्लियर है ये? कुछ फॉर्मूले जो यहाँ पर काम आएंगे, वैसे तो ये सबसे ज्यादा काम आता है, आपको पता है, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin2x और sin2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ये यहाँ पर भी सबसे ज्यादा काम में आएंगे ये दोनों फॉर्मूले। 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin2x और sin2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos CX अपॉन x sin x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1/2 x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पॉइंट सी। अच्छी प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर भी आ चुकी, लास्ट टू लास्ट ईयर। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos CX अपॉन x sin x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 x इक्वल टू 0, तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू एफ 0। क्यों? क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी गिवन है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस cos CX अपॉन x sin x, कौन सा फॉर्म आ रहा है? क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो 1 माइनस 1 0 और अपॉन 0, तो ये आ रहा है हमारा 0/0 फॉर्म। ना 1 माइनस cos CX 2 sin² एंगल का आधा अपॉन x sin x,
बेटा वन माइनस कॉस टू एक्स क्या लिखा था, टू साइन स्क्वायर एक्स, टू एक्स का आधा, तो सी एक्स का आधा कितना हुआ, सी एक्स बाई टू, तो टू साइन स्क्वायर सी एक्स बाई टू और अपॉन एक्स साइन एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू साइन स्क्वायर सी एक्स बाई टू, सी एक्स बाई टू। अब देखो यहां पर वन कैसे बनाते हैं, सी एक्स बाई टू का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर सी एक्स बाई टू मतलब सी एक्स बाई टू आपका दो बार आ रहा है, तो सी एक्स बाई टू को सी एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर, ये तो ये वन बन गया। नीचे एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स को वन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स से। अब देखो ये वन हो गया, ये वन हो गया, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, तो व्हाट विल बी द लिमिट, सिर्फ क्या बचा, सी स्क्वायर बाई टू। दोबारा समझ लीजिए, सी एक्स बाई टू का स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फोर मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे साइन एक्स है, इसको वन से मल्टी बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल, टू से ये टू कैंसिल, सी स्क्वायर बाई। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है आपका, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो किसके इक्वल है, वन बाई टू, सो देयरफॉर सी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, तो सी स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, प्लस, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वन, ये इसकी कंटिन्यूटी होगी, लिख लीजिए। मान्या क्लियर है, ठीक यस सर। आपका बार हो मान्या, 20 को आओगे यहाँ पर क्लास में कि कैसे, क्या है तुम्हारा, सर जहां तक 20 को आ जाऊंगी अगर ट्रेन लेट नहीं हुई तो, अच्छा सुबह कितने बजे लाइक पहुंच रही ट्रेन, सुबह 6:30-7 तक पहुंचती है। अच्छा तो फिर तो नहीं आ पाओ, चलो कोई, हो गया लिख लिया, एक वो डिजिटल बोर्ड वाले को बुला दूँ ना, डिजिटल बोर्ड, इफ एफ एक्स इक्वल टू के कोस एक्स पाई माइनस टू एक्स, एक्स इज लेस देन पाई बाई टू, थ्री एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री टेन टू एक्स अपॉन पाई टू एक्स माइनस पाई, एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पॉइंट के, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू पॉइंट के, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई बाय टू, इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल है।
नाउ लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाय टू माइनस के कोसेक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, कौन सा फॉर्म? 0/0 फॉर्म। अब देखो नीचे अपॉन में क्या आ रहा, पाई माइनस टू एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, मतलब आपको यहां पर एच कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। एच कंसेप्ट कब लगता है? जब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर हमारा लास्ट चांस क्या बचता है कि भाई एच कंसेप्ट लगाए। पाई माइनस टू एक्स का क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या लगाना? एच कंसेप्ट। तो पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एच, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू माइनस एच, देन एच टेंस टू जीरो। तो हर एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एच रख दो। अच्छा एमसीक्यू में आ जाए, मैंने क्या बोला? एल हॉस्पिटल लगाओ। कैसे? कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव। अब साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1, तो इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आ गई? के बाय टू। और के बाय टू किसके इक्वल है? तो के की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, इस तरह से कर। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के कोस पाई बाय टू माइनस एच पाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय टू माइनस एच, कोस 90 माइनस थीटा साइन एच, तो के साइन एच पाई माइनस पाई प्लस टू एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो के साइन एच अपॉन टू एच। साइन एच अपॉन एच क्या हो गया? तो व्हाट इज द लिमिट? के बाय टू। लेफ्ट लिमिट क्या आ गई? के बाय टू। वैल्यू ऑफ फंक्शन में से तो के की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन आप एक काम करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं कैसे आएगी, कि के 3 आएगा कि नहीं आएगा। आर एच लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू प्लस 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई। अगेन ये भी कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म। इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? पाई बाय टू प्लस एच, पुट एक्स इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एच, देन एच टेंस टू जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 3 tan 2 पाई बाय टू प्लस एच अपॉन 2 into पाई बाय टू प्लस एच। पाई बाय टू तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को पाई बाय टू से करो, पाई प्लस टू एच। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? अरे पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो 3 tan 2x हो गया ये अपॉन 2h, ये क्या हो गया? 1। सो व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट? ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये भी कितना गिवन है? 3। सो देयरफॉर के बाय टू इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 6। के का वैल्यू हमारा 6 आ लगाया ना, 10 2h अपॉन h कहाँ पर? तो फिर नीचे पाई का क्या करेगी? फिर वो तो 0 बना रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर भी 0/0 ही आएगा, तो फिर इसलिए वो नीचे वाले को डांटना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई, ये आज की क्लास, बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ के आना दोबारा पूरा, और आज मैं पुरानी बुक के तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भेज दूंगा।